देखा होगा कि मैं जिंदगी में अपने पुराने दोस्तों को नहीं भूलता हूँ, और राजू शबाना जो कोरियोग्राफर और डायरेक्टर है वो मेरे बहुत पुराने दोस्त है, और उनके साथ मैंने बहुत काम किया है, उनके साथ गाने सीखे हैं, मैंने डांस सीखा है, तो आज उनको मेरी ज़रूरत है तो मुझे 100% आना ही है। आई विश ऑल द लक टू देम। बहुत अच्छा गाना बना है और बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट लिया है, जो हमारे देश के आर्मी वाले हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, हमारे लिए बॉर्डर पे लड़ते हैं, और उनके पास आपने देखा खाना तक नहीं है। अभी एक नया वीडियो चला। मैं देश के प्रधानमंत्री को यही कहना चाहूँगा कि सर, ये सरासर नाइंसाफ़ी है उनके साथ, और हमें सबको भी शर्म आनी चाहिए कि हम लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, किसी ने चार रोटियां निकाल के वहाँ नहीं भेजी। हाँ, लंदन तक अचार भेज देंगे, कनाडा तक वो भेज देंगे, यहाँ के गुलाब जामुन, यहाँ की चीज़ें भेज देंगे, लेकिन ये कश्मीर के एंड तक कोई नहीं भेजता है। तो ये बड़ी दुख की बात है, और इस वीडियो में भी वही दिखाया गया है कि अपनी नई शादी, अपनी सब कुछ वो छोड़ के वो अपनी देश की सेवा के लिए, उनको मैसेज आ गया कि रिपोर्ट राइट ना हो। तो मेरे यारो, कि हम सब ना हिंदुस्तान को अपनी जेब में रखते हैं, और ये आर्मी वाले हिंदुस्तान को अपने दिल में रखते हैं, तो रिस्पेक्ट देम, इनसे सबूत ना मांगा करो, इनकी इज्जत किया करो, और इनको जहाँ भी देखो सैल्यूट किया करो। म्यूज़िक वीडियो है, एक गाना है जो डेडिकेटेड है इंडियन आर्मी को, हमारे देश के जवानों के सेंटिमेंट्स के साथ, कि जो उनकी पर्सनल लाइफ है और उनकी जो आर्मी लाइफ है, जो वो पूरी ज़िंदगी छोंक देते हैं अपनी हमारे भारत माँ की रक्षा के लिए, और जब वो अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या दिल पे गुजरती है, वाइफ हो, बेटी हो, बेटा हो, माँ हो, बाप हो। तो मुझे लगा ये सेंटिमेंट, ये जो एक फीलिंग है और एक जो सोच है, ये बहुत अच्छी है, और इस सोच का मुझे सोच में शरीक होना चाहिए, सोच का एक हिस्सा बनना चाहिए। देखा वीडियो, वो जिस प्रकार से उनको पानी के समान जो है दाल दी जाती है, रोटियां आधी पकी, तो खाने में इतनी जो खाना पूर्ति हो रही है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, और हमारे देश के जवान हैं वो हमारे सरहद पर रहते हैं, हमारी दिन रात 24 घंटे रक्षा करते हैं, और हम सुकून से सांस ले पाते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपनी पूरी ज़िंदगी छोंक देते हैं, अपना पूरा एक एक खून पसीना का कतरा जो है वहाँ पे बहाते हैं हमारे लिए, और जो उनको खाना ही नहीं मिलेगा सही से, तो वो लोग क्या हमारे देश की रक्षा करेंगे और क्या खुद की रक्षा करेंगे। तो मेरी तो सबसे पहले अपील है, गुजारिश है कि गवर्नमेंट से और आर्मी से, जो कि ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और सख्त से सख्त कार्रवाई हो जो भी इन चीज़ों के अंतर्गत काम कर रहा है, और उनको जो है तंदुरुस्त पोषण मिले, और तंदुरुस्त जो है खाना मिले, अच्छी क्वांटिटी मिले और अच्छा खाना मिले। म्यूज़िक वाज ऑलवेज माय पैशन, आई वाज इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक एंड सिंगिंग, एंड आई हैवंट संग फॉर कपल ऑफ इयर्स। आई सैंग माय फर्स्ट सॉन्ग चिन चिन चू व्हेन आई वाज इन ईयर 8, इट वाज अ फंड रेजिंग फॉर आवर स्कूल, एंड बिकॉज आई वाज ऑक्यूपाइड विद माय एजुकेशन एंड स्टडिंग एंड जॉब एंड वर्क एंड ऑल एज अ साइंटिस्ट एंड एज अ डॉक्टर, आई हैड नो टाइम टू सिंग, बट I reached a stage of my life where I decided no, it has to be a full stop and I should look after my and pursue my hobby, and I started singing for last 5 years, and singing now is like a meditation for me, like whatever stress, headache I have, as soon as I start singing I forget entire world and I'm totally so relaxed and relieved, you know. So being in my profession which is very stressful and singing which is stress reliever, I think it's wonderful for me and I like my hobby very much. Arham diya hai ये मेरे बहुत ही क्लोज, मेरे बड़े भाई की तरह जो राइटर है मेरे, शैलेंद्र शर्मा जी, उन्होंने गाना लिखा, बहुत ही खूबसूरत गाना लिखा, और मैंने उतना ही खूबसूरती के साथ कंपोज करने की कोशिश की आप लोगों के सामने, और आप लोगों ने गाना सुनाई, और उम्मीद भी यही होगी कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा ये गाना, क्योंकि हम लोगों ने बहुत दिल से बनाया इस चीज़ को। ये पूरा मेरा जो मेरा एल्बम ही इंडियन आर्मी को डेडिकेटेड है, और ख़ासकर ये मेरा टाइटल, और मैंने टाइटल इसीलिए लगा रखा इसको कि मरहम, मरहम मतलब जो हमारी इंडियन आर्मी है वो हम लोगों को मरहम लगा रही है, तो उनको मेरा जय हिंद सलाम।